पता नहीं जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या गलत, बस ये जानती हूँ कि ये कदम उठाने से राघव को वो सारी खुशियां मिल जाएगी जिसका वो हकदार है। या इस फॉर्म में मदर इन लॉ, हाँ उनके हड्डियों में दर्द है तो प्लीज आप उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दें। थैंक यू। कितना ख्याल है इसे माँ का। चलो अच्छा है, हमारे कहने पर मम्मी ने इंडिया जाना कैंसिल कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ नैना? अब तो मम्मा भी इंडिया वापस नहीं जा रही। बैठो। देखो मेरी नौकरी और पेटेंट का इतना टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ सेट हो जाएगा ना, तब अगर तुम चाहो तो मम्मा हमारे पास आकर रह सकती है। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है राघव, हमेशा और आज भी। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए कैसे चुका पाऊंगी मैं? तुम मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे खड़े रहे और हर मुश्किल से तुमने मुझे बाहर निकाला। आज अगर भैया जेल के बाहर है तो तुम्हारी वजह से। आज अगर मेरी माँ का मुंबई में घर अभी भी बचा है तो तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ तुमने माँ से वादा किया था कि ये बात वो किसी को ना बताए, पर राघव तुमने जो हमारे लिए किया, तुमने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च के हमारा घर छुड़ाया, मेरे पापा का घर उनकी निशानी, ये बात मुझसे छिपी नहीं। राघव तुम्हारा नेक दिल ज्यादा देर तक किसी से छिप नहीं सकता। मैं कैसे नहीं करता, मैं उन्हें मम्मा बुलाता हूँ और मैं सिर्फ अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर रहा था। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने मदर इन लॉ को सिर्फ मम्मा बुलाते हैं, मानते नहीं हैं। कब से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, फोन उठा लो ना। वो सेल्स वाले फोन कर रहे होंगे, दिन भर फोन करते रहते हैं। ये देखो फिर से मैसेज आ गया तुम्हें, देख लो। क्या हम अभी मिल सकते हैं? मैं तुम्हें 20,000 यूरो कैश भी दे दूंगी और तुम वो पेपर्स भी साइन कर देना। हाँ मैं अभी आ जाती हूँ। कौन है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है अभी घर चले, आज के लिए तुम्हारा बहुत रोना हो गया, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो तुम चलो, मैं ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं मेरा मतलब है मैं कुछ पल के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तुम घर चलो, मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन जल्दी आना। ओके मैं वेट करूँगा। पेपर्स पर साइन तो कर लिया,
लेकिन इसका मतलब समझती हो ना तुम? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझसे एक बहुत ही बड़ी चीज का वादा कर लिया है। तुम मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखोगी और तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। कानूनन तो तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है, और बच्चा पैदा होने के बाद तुम किसी को नहीं बताओगे कि ये बच्चा किसका था। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? देखो नैना, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूं ताकि मेरा बच्चा हर तरफ से प्रोटेक्ट रहे। तो फिर ठीक है, हम जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करते हैं जहां मेरा बच्चा तुम्हारे गर्भ में रखा जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ ताकि वो हमें आगे गाइड करे। ओश, मैं तो भूल ही गई, पैसे ये लो, 20,000 यूरोस कैश जो तुम्हें चाहिए थे ये लो, और जो तुम्हारे हक का है उसे लाओ। ये पैसे उस गिरे हुए इंसान के मुंह पे फेंको और अपने पति का पेटेंट छुड़ा ला। How's it? Lights क्यों ऑफ है यार? Yes, I need one black coffee with 1/4 teaspoon of brown sugar now. फिर से आ गई है? Where's my coffee? That's not my problem. वो आपकी problem है. आपकी coffee, आपकी चाय, आपका पानी, ये आपकी जिम्मेदारी है. Oh. नहीं, मुझे लगा तुम्हें किसी ने इस ऑफिस में कॉफी वगैरह बनाने के लिए नौकरी दे दी है, पर याद आया कि तुम तो उस लायक भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक हूं। ठीक है, आप ही ने कहा था ना 20,000 यूरो लेकर आना और अपने पति का पेटेंट वापस ले जाना। ये लीजिए पैसे और इसे गिन लीजिए। गिनने की जरूरत तुम जैसे लोगों को पड़ती है, मैं रोज पैसों में खेलता हूँ, देख के बता सकता हूँ कि ये 20,000 यूरो है। सो व्हाट? सो मेरे पति का पेट में मुझे वापस दीजिए। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि आपके दिल और जमीर के साथ साथ आपने अपनी जुबान भी बेच दी? बेचा तो तुमने होगा कुछ इन पैसों के लिए, लेकिन मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूँ। ग्रेट, तो ये रहे पैसे। और वैसे भी आपके लिए आपके पैसों से ज्यादा आपका वक्त इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे पति की मेहनत, लगन, उनका पेटेंट, सब कुछ वापस दीजिए। नहीं, इतनी आसानी से भी नहीं। आप इतने गिरे हुए होंगे, मैंने सोचा नहीं था। I'm sure अब आपको और पैसे चाहिए। ये पैसों की धौंस किसी और पर जमा ना मिसेस मेहरा। तुम्हारे जैसे हजारों को खरीद सकता हूँ मैं। मेरे जैसे? पर मुझे नहीं। तुम्हारी जैसी फालतू पीस को मैं खरीदना चाहता भी नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी भी मुझे पीछे करना दिखाओ। अपने पति का पेटेंट लो एंड गेट लॉस्ट। शौक से मुझे भी आपका चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ मिस्टर खुराना, ये डॉक्यूमेंट मेरे पति तक पहुंच जाना चाहिए आज ही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube page को।